गूगल और बाकी कई इंटरव्यूज में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि आखिर इंटरनेट कैसे काम करता है। जब आप गूगल पे कुछ सर्च टाइप करते हो तो होता क्या है, बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, कैसे आता है वो डेटा। और मेरे से भी ये इंटरव्यू में पूछा गया था कई साल पहले, आर्टिफिशिया के इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था। तो अगर आप एक वेब डेवलपर हो या आप एक नेटवर्क इंजीनियर हो, ये क्वेश्चन का आंसर आना आपको बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बस ऐसे ही, आपको कौतूहल है, आपको मन है समझने का, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो समझना ज़रूरी है, इसलिए ताकि जब आप इंटरव्यू में इसको बताइए या किसी को समझाइए तो आप बस यही नहीं कहिए कि ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसे होता है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको ड्रॉ करके समझा दूं। आइए देखते हैं इंटरनेट कैसे काम करता है। देखिए, इंटरनेट जब हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि एक कुछ बहुत ही बड़ी सी दुनिया है जिससे कनेक्टेड है सब कुछ, है ना, एक एक ग्लोब हम इमेजिन करते हैं, कनेक्टेड ग्लोब इमेजिन करते हैं। इंटरनेट है भी सच में वैसा। इंटरनेट को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये किसी एक जगह रखी हुई नहीं, कहीं एक जगह किसी के पास ऐसा नहीं कि ये लो एक चुटकी इंटरनेट, तुम ऐसे इंटरनेट नहीं दे सकते। इंटरनेट वही है जो हर किसी से कनेक्टेड है, हर जगह कनेक्टेड है। तो क्या करना पड़ता है, आप सोचिए कि ऐसे तारों का पूरी दुनिया में जाल बिछा हुआ है, बड़े बड़े इसको ट्रांसओशियनिक तारे हैं, बहुत मोटी मोटी बड़े बड़ी तारे पूरे के पूरे ओशंस के अंदर से जा रही हैं और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन इस कनेक्शन का क्या फ़ायदा, पहले फ़ायदा ये होता है कि तार तो बिल्कुल ज़रूरी है, तार नहीं लगेगा तो बातें कैसे होंगी। आप कह सकते हो कि भैया सैटेलाइट के थ्रू ही बातें हो सकती है, लेकिन हाई स्पीड इंटरनेट जिसकी आजकल हमें आदत है वो पूरी की पूरी तार पे चल रही है, और आज का इंटरनेट तो पूरा का पूरा ऑप्टिक फाइबर पे चल रहा है। तो ये बिछाया जाता है हर तरफ, हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में इसको बिछाया जाता है, उसी को आप ब्रॉडबैंड कहते हो। ठीक है, ब्रॉडबैंड मतलब चौड़ा चौड़ा बड़ा हाईवे, ब्रॉडबैंड मतलब बहुत सारा डेटा भेजने का जगह है यहाँ पर। तो ये सबसे पहले किया जाता है, इसके बिना किसी को इंटरनेट नहीं मिलता है। उसके अलावा आपको चाहिए तो फिर स्टारलिंक जिस कंट्रीज में अवेलेबल है वो एक अलग ही किस्सा है, बट जो नॉर्मल इंटरनेट है वो इन तारों का जाल है। आप इमेजिन करो, आप अपनी आंखें बंद करके, कि दुनिया में हर जगह, हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में इस तार का जाल बिछा हुआ है और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो इंटरनेट है। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब हम अपने फ़ोन पे, गूगल पे कुछ टाइप करते हैं तो होता क्या है। होता ये है कि आप कनेक्टेड रहते हो घर के वाईफाई से, वाईफाई कनेक्टेड रहता है एक तार से, और तार जाती है पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकती है, लेकिन जाए कैसे। तो जब आप टाइप करते हो google.com पे कुछ टाइप करते हो, आप मान लो आपने टाइप किया इंडिया, तो जब हम इंडिया सर्च करते हैं google.com पे तो क्या होता है, इस सर्च को कहाँ जाना चाहिए, आपके ब्राउज़र में बोल दिया गया पहले से कि इसे जाना है google.com पर। ठीक है, और google.com पे ये जो इंडिया है इसको आप कह सकते हो कि ये पेलोड है, मतलब ये सामान लेके जाना है। ये ऐसा ही समझो कि आपने कहा कि ये एक चिट्ठी है, इस चिट्ठी को लेकर google.com के पास चले जाओ। तो चिट्ठी में क्या लिखा है, चिट्ठी में लिखा है इंडिया, इतना ही आपने सर्च किया था, तो उसको आप पेलोड बोलो, चिट्ठी के अंदर का बात बोलो। चिट्ठी के बाहर क्या लिखा, पते में हमने बस लिख दिया google.com। आपको कहीं चिट्ठी भेजनी है, एक तार भेजना है, आपने पते पे बस लिख दिया कि ये रामू का घर, तो कैसे पहुंचेगा रामू का घर, नहीं पहुंच सकता। लेकिन इसमें हो जाता है, कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है कि हर किसी का जो घर है उसका नाम बिल्कुल ही यूनिक, इसी को हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, URL, जो google.com है, flipkart.com है, housing.com है, netflix.com है, ये सब अलग अलग होते हैं। इस दुनिया में दो रामू नहीं होते, इस दुनिया में दो सीता नहीं होती, इस दुनिया में दो गीता नहीं होती, एक ही होता है, जो होता है एक ही होता है। तो डोमेन नेम जिसको हम कहते हैं वो यूनिक है, ठीक है, वो यूनिक है। लेकिन हम बस कह दें कि google.com पे चले जाओ तो भी कैसे चला जाएगा, पैकेट को कैसे पता कि कहाँ जाना है, किधर है google.com। तो google.com जब हम कहते हैं, डोमेन जिसको हमने कहा, डोमेन नेम होता है, ये डोमेन का नाम होता है, तो इसको बताने वाला एक सर्वर होता है जिसको हम कहते हैं DNS। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम है, इसका जो सर्वर होता है वो बोलता है कि अच्छा google.com जाना है, कोई बात नहीं, google.com जाने के लिए ये वाला पता है उसका, उसका असली पता बताता है कि इस गली में, इस मोहल्ले में, इस चौराहे पे, ये वाला घर पे google.com मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी डायरेक्टरी है, इसको आप मान सकते हो कि एक बहुत बड़ा टेलीफोन बुक है जिसमें हर किसी के नाम के अगेंस्ट उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, लेकिन फ़ोन नंबर नहीं है, उसका क्या है, आईपी एड्रेस। तो अभी तक हमने कुछ टर्म सीखे हैं, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। तुमने कहा था एक्सप्लेनर वीडियोज़ बनाओ, तो मैं बना रहा हूँ, और क्या क्या वीडियोज़ चाहिए एक्सप्लेनर वाले कमेंट बताते जाना। पहला टर्म हमने सीखा कि डोमेन नेम एक कोई चीज़ होती है,
ठीक है, जिससे URL बनता है। और दूसरा टर्म हमने अभी सीखा, एक IP एड्रेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो DNS सर्वर होता है, जो आपका मान लीजिए ये क्लाइंट है, ये है आपका क्लाइंट, और इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा कि भैया मुझे गूगल जाना है, google.com जाना है, तो ये DNS सर्वर के पास पहले जाएगा और बोलेगा कि अरे भैया google.com बता दो हमें। तो वो बोलेगा अच्छा ये लो google.com जो है ये है, कुछ भी ऐसा कहते हैं x.y.z.a, ऐसा कुछ IP एड्रेस आपको बता दिया जाएगा कि ये IP एड्रेस है, ऐसे 4 के हो सकते हैं, 6 के हो सकते हैं, इसमें अभी नहीं जाएंगे। अब क्या होता है, अभी बोलता है अच्छा मुझे अब गूगल का असली पता मालूम है, तो अब मैं वो पता लगा दूंगा। तो हमने कहा कि डेस्टिनेशन जो है वो ये वाली है, ठीक है, x.y.z.a, और भेज कौन रहा है, यानी कि सेंडर जो है वो इस एड्रेस से भेज रहा है, इस एड्रेस को कुछ भी कह लो a.b.c.d अभी के लिए। और फिर हमने कहा अच्छा भेज क्या रहे भैया, तो हम भेज रहे हैं इंडिया, हमें ये सर्च क्वेरी बता दो भैया, ये हमारा पूरा का पूरा पैकेट हो गया। ऐसा कुछ पैकेट बन जाता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनता है पर समझने के लिए अच्छा है, ठीक है। और दुनिया के उस तरफ किसी और कोने में खड़ा है google.com, कैसे खड़ा है, वो भी कनेक्टेड है इंटरनेट से, उसके बड़े बड़े सर्वर्स हैं, खूब सारे डेटा सेंटर्स में सर्वर लगे हुए हैं पूरी दुनिया भर में। तो ये मान लो कि ये google.com का ऑफिस है, ठीक है, google.com, और ये मान लेते हैं कि ये तुम्हारा वाईफाई है, वाईफाई मान लेते हैं इसको अभी के लिए, चलो ये ऐसा ऐसा वाईफाई कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, वाईफाई जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, DNS जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, google.com जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो पहले वाला जब हमने कहा google.com हमें ये रिक्वेस्ट भेजनी है, तो उसने कहा भैया ये लो IP एड्रेस इसका, हमें ज़्यादा परेशान ना करो। तो पहली बात हमने की DNS से, तो हम एक बार लिख देते हैं कि पहली बात हमने की DNS से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास IP एड्रेस आ गया, तो हमने बड़ा प्यारा सा एक पैकेट बनाया, हमने एक लिफाफे में सब कुछ डाला, ठीक है, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, तो खत में हमने ये लिख दिया, और हमने इस खत को बोला कि अब तो जब IP एड्रेस है ही, तो और हमारे पास इंटरनेट है ही, तो चलो इसको भेज देते हैं। इसको भेजने के लिए इमेजिन कर सकते हो कि एक राउटर्स का जाल है, ये छोटे छोटे मशीन लगे रहते हैं हर तरफ, ठीक है, ये एक बड़ा मशीन बीच में, बड़े मशीन भी लगे रहते हैं, छोटे छोटे मशीन लगे रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी आप इमेजिन कर सकते हो। तो आप बोलोगे भैया राउटर क्या करता है, तो राउटर क्या करता है, रास्ता बताता है, ठीक है, और क्या रास्ता बताता है कि अच्छा तुम यहाँ से कनेक्टेड हो, तुम्हारा वाईफाई ये वाले राउटर से कनेक्टेड है, अच्छा ठीक है, तो ये इस राउटर के पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा और बोलेगा कि अरे ये x.y.z.a जाना है, कहाँ जाएं। तो ये राउटर के ना ऐसे बहुत सारे हाथ होते हैं, ऐसे ढेर सारे हाथ होते हैं, तो राउटर बोलता है कि अरे ये वाला एड्रेस है x.y.z वाला, अच्छा x. से जितने एड्रेस शुरू होते हैं ना सब मेरे बाएं हाथ पे हैं, बाएं हाथ चले जाओ, तो बाएं हाथ पे चला जाता है, ठीक है, जिसके बाएं हाथ पे ये चला गया। यहां इससे पूछा फिर कि अरे x.y.z.a जाना है, अच्छा x.y.z.a जाना है, तो एक्स तो वाले सारे मेरे पास ही आए हैं, वाई वाले जो है वो मेरे दाएं हाथ पे है, तो दाएं हाथ पे चले जाओ, तो यहाँ चले जाता है, तो अरे x.y.z.a जाना है, अच्छा तो x.y तो सारे मेरे पास ही है, जी वाला जो है वो मेरे बाएं हाथ पे चले जाओ, ठीक है, इसके पास जाता है x.y.z.a जाना है, अच्छा तो यार x.y.z तो सारे मेरे पास ही आए हैं, जो ए चाहिए ना तुम्हें वो मेरे बाएं हाथ पे, वहां चले जाओ, और उस तरह से वो गूगल तक पहुंच जाता है। तो मैंने आपको राउटिंग बता दी बड़े आसान शब्दों में, ठीक है, कि ऐसे होता है, यहां से शुरू किया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, जिसके जिस हाथ से जो कनेक्टेड है वहां से वो पैकेट पहुंच गया। तो क्या हुआ उससे क्या फायदा हुआ, पैकेट गूगल के पास पहुंचा। अब गूगल के पास जो ये पैकेट पहुंचा है, तो गूगल इसको खोलेगा, इसकी चिट्ठी को खोलेगा और इसका पेलोड को निकालेगा, पेलोड में क्या है, इंडिया। तो गूगल बोलेगा अच्छा इंडिया का सर्च रिजल्ट चाहिए, वो आपस में इंटरनल बात करेगा, उसके अपने एल्गोरिथम्स चलाएगा और बोलेगा इंडिया का ये top 10 सर्च रिजल्ट है, इसको अब मुझे किसको भेजना है, जिसने मुझे रिक्वेस्ट भेजा था। तो अब जो ये आपका डेस्टिनेशन था, वो जो डेस्टिनेशन था वो गूगल था, यहाँ पर गूगल था, है ना, तो अब ये सेंडर हो जाएगा। तो अब नया डेस्टिनेशन क्या होगा, गूगल के साइट से आपका पता, क्योंकि चिट्ठी वापस आ रही है, तो a.b.c.d हो जाएगा, और सेंडर कौन हो जाएगा, सेंडर हो जाएगा गूगल, यानी कि x.y.z.a हो जाएगा, और पेलोड क्या हो जाएगा, पेलोड हो जाएगी इंडिया के सर्च रिजल्ट्स टॉप
10 रिजल्ट्स, यही भेजता ना गूगल आपको। तो ये जब पैकेट बन गया हमारा प्यारा सा, तो इस पैकेट को लेके गूगल बोलता है कि अब मैंने इसमें डेस्टिनेशन डाल दिया है, अपना पता भी डाल दिया है, पेलोड भी डाल दिया है, इसको वापस भेज दो। तो वापस भेजने समय फिर ये इधर आता है, बोलता अच्छा ए डॉट बी डॉट सी डॉट टी किधर है, तब मेरे इस हाथ पे, अच्छा बी डॉट सी डॉट डी किधर है, इस हाथ पे, अच्छा सी डॉट डी किधर है, इस हाथ पे, अच्छा इस हाथ पे, और करके वो यहाँ पहुँच जाता है। तो जैसे जैसे पैकेट गया था वैसे वैसे वापस आ जाता है, और इस तरह आपका इंटरनेट चल जाता है। फिर ब्राउज़र को ये पैकेट मिलता है, ब्राउज़र बोलता है अच्छा सारा डेटा ले आए, हाँ चलो इस डेटा को हम दिखा देते हैं। इस डेटा को कैसे दिखाते हैं, HTML से, CSS से, JavaScript से उस पेज को पूरा रेंडर कर देते हैं, और इस तरह काम करता है आपका पूरा का पूरा इंटरनेट। मज़ा आया? ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस वीडियोस मैंने बनाए हैं और ही बनाने वाले हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आप मिस ना कर दें।